दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ आपने जब भी WhatsApp पर किसी भी पर्सनल चैट को हाइड करना चाहते हो या उसे आप अनहाइड करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो। इस वीडियो में आपको फुली एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ कि किसी भी आप पर्सनल चैट को हाइड कैसे कर सकते हो और उसे अनहाइड करना चाहते हो तो नॉर्मली कैसे कर सकते हो, वो सारा प्रोसेस इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ। इसके लिए आपको वीडियो को फुली वॉच करना होगा, वीडियो को जरा सा भी स्किप मत कीजिए ताकि दोस्तों इन्फॉर्मेशन में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर गाइस चलता हूँ वीडियो करता हूँ स्टार्ट। सबसे पहले आपको अपने जीव WhatsApp पर क्लिक करना हो। जैसे आपने जीव WhatsApp पर क्लिक करते हो क्लिक करने के बाद लाइक कुछ इस तरह से इंटरफेस आता है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने जीव WhatsApp पर किसी भी पर्सनल चैट को कैसे हाइड कर सकते हो। इसके लिए आपको दोस्तों जिस भी चैट को आप हाइड करना चाहते हो उस पर आपको थोड़ी देर के लिए प्रेस करके रखना होगा। जैसे आप प्रेस करके रखते हो इसके बाद आपको राइट हैंड साइड कॉर्नर पर 3 डॉट्स हो गए, इस पर आपको क्लिक करना हो। जैसे इस पर आप क्लिक करते हो क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको हाइड चैट पर क्लिक करना होगा। जैसे आप हाइड चैट पर क्लिक करते हो क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको एक पैटर्न एंटर कर देना। जैसे मैंने ये पैटर्न एंटर कर दिया और मेरी वो चैट यहाँ से हाइड हो चुकी जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये चैट आपको मिलेगी किस जगह। इसके लिए आपको दोस्तों यहाँ पर आपका जीबी व्हाट्सएप शो हो रहा होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर अपना नेम सेव कर रखा है, आपको क्लिक करना। जैसे इस पर आप क्लिक करते हो क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको फिर से वही पैटर्न एंटर कर देना। एंटर कर देने के बाद अब यहाँ पर आपकी दोस्तों जो भी चैट होगी वो यहाँ पर हाइड हो चुकी जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हो। लाइक कुछ इस तरह से आप भी किसी भी पर्सन की चैट को हाइड करना चाहते हो नॉर्मली हाइड कर सकते हो। अगर यहाँ से आपने इस चैट पर कोई पैटर्न अप्लाई कर रखा है, जैसे मैंने इस पर क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद फिर से मेरे पैटर्न मांगे, फिर से आपको वही पैटर्न एंटर करना होगा। एंटर कर लेने के बाद आप दोस्तों यहाँ से आप जो भी पर्सनल चैट पर्सन से नॉर्मली चैट कर सकते हो। तो इस तरह से आप किसी भी पर्सन की चैट को हाइड कर सकते हो। अब मैं आपको बताने वाला हूँ अगर आप किसी भी पर्सन की चैट को अनहाइड करना चाहते हो तो इतना प्रोसेस कंप्लीट कर लेने के बाद यहाँ से आपको बैक कर देना। बैक कर देने के बाद अब मैं आपको बताने वाला हूँ आप किसी भी पर्सन की चैट को अनहाइड कैसे कर सकते हो। इसके लिए आपको फिर से उसी जीबी व्हाट्सएप पर क्लिक करना। जैसे आप उसी जीबी व्हाट्सएप क्लिक करते हो क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको वही पैटर्न फिर से एंटर करना हो। एंटर कर लेने के बाद फिर से आपको उसी चैट पर प्रेस करके रखना होगा। जैसे आप उस चैट पर प्रेस करके रखते हो लाइक कुछ इस तरह से इंटरफेस आ गया। इसके बाद आपको राइट हैंड साइड कॉर्नर पर 3 डॉट्स होंगे, इस पर आपको क्लिक करना। जैसे इस पर आप क्लिक करते हो यहाँ से आपको एक ऑप्शन होगा अनहाइड चैट, इस पर आपको क्लिक करना। जैसे इस पर आप क्लिक करते हो फिर से आपको वही पैटर्न एंटर करना होगा। एंटर कर लेने के बाद यहाँ से जो भी चैट थी वो चैट आपकी अनहाइड हो चुकी लाइक कुछ इस तरह से। यहाँ से आपको बैक कर देना। बैक कर देने के बाद मैं आपको दिखाने वाला हूँ जो भी वो चैट आपने हाइड की थी वो चैट यहाँ पर लाइक कुछ इस तरह शो होने लग जाएगी। तो इस तरह से आप अपने व्हाट्सएप पर किसी भी पर्सन की चैट को हाइड और अनहाइड कर सकते हो। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। दोस्तों आपको वीडियो जैसी भी लगे अपनी राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। मिलता हूँ फिर से एक इंटरेस्टिंग नेक्स्ट।